के अनेकों मंदिर चमत्कार और साक्षात्कार के प्रतीक है। ऐसे ही मंदिरों के कारण भारत मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक विशेष मंदिर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इसी के साथ ही एक और बात जाननी भी जरूरी है कि जब भी बात भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की होती है तो उस श्रृंगार में अनेका अनेक चीजें सम्मिलित होती है। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रृंगार में अपने कलाई पर घड़ी भी धारण की हो? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर में स्थित गोपीनाथ जी मंदिर के बारे में, कि जहाँ पर गोपीनाथ जी प्रतिदिन श्रृंगार में अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हैं। दोस्तों, करीब 50 वर्ष पहले की बात है। जयपुर के लोगों का कहना था कि गोपीनाथ जी के विग्रह में स्वयं भगवान बसते हैं और सभी की श्रद्धा और आस्था गोपीनाथ जी पर अटूट थी। ऐसे में एक अंग्रेज व्यक्ति को गोपीनाथ जी के मंदिर के बारे में जानकारी मिली। जब उसने ये सुना कि लोग मानते हैं कि गोपीनाथ जी के विग्रह में प्राण बसते हैं, तो इस बात को परखने के लिए वह व्यक्ति गोपीनाथ जी के मंदिर गया। उस अंग्रेज ने मंदिर जाकर अपनी एक घड़ी दी और उसने बताया कि ये घड़ी ना तो किसी पावर से चलती है ना सेल से, ये घड़ी सिर्फ पल्स यानी कि नब्ज से चलती है। जब इसे कलाई पर बांधा जाता है तो नब्ज के हिसाब से घड़ी चलने लगती है और समय बताती है। उस अंग्रेज की यही घड़ी जब गोपीनाथ जी की कलाई पर बांधी गई, तो ये घड़ी तुरंत ही चलने लगी और सही समय भी बताने लगी, जिससे कि उस अंग्रेज के सामने ये सिद्ध हो गया कि गोपीनाथ जी में वास्तव में प्राण बसते हैं। उस दिन से लेकर आज तक प्रतिदिन श्रृंगार के बाद गोपीनाथ जी की कलाई पर वही घड़ी बांधी जाती है। जैसे ही नया श्रृंगार करने के लिए पुराना श्रृंगार उतारा जाता है और साथ ही वो घड़ी भी उतार ली जाती है, तो वैसे ही वह घड़ी तुरंत बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे पुनः गोपीनाथ जी की कलाई पर बांध दिया जाता है तो वह चलने लगती है और करीब 50 वर्षों से ये घड़ी आज भी सही समय बताती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गोपीनाथ जी मंदिर के बारे में। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।